वेलकम टू अवर चैनल यूनिक फूड एंड फ्लेवर्स। होप करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। बारिश के मौसम में क्या आपका भी मन करता है कुछ गर्मा गर्म खाने का, चटपटा तला हुआ, वो भी चाय के साथ? तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं चीज पटेटो ब्रेड रोल। होप करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें। आने वाले टाइम पे हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज वीडियो लेके आएंगे। तो चलते हैं हम चीज़ पटेटो ब्रेड रोल रेसिपी बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमने दो बड़े प्याज को कट करके लिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने दो से तीन चार हरी मिर्च कट करके रखी हुई है, चार बॉईल किए हुए आलू लिए हुए हैं, एक बड़ा पीस हमने पनीर का लिया हुआ है, दो चीज़ के स्लाइस लिए हुए हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे, गैस हमने ऑन कर दी है। अब हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और तेल को अच्छे से गरम होने देंगे। तेल हमारा गरम हो गया है, अब हम राई डालेंगे, जीरा डालेंगे और दोनों को अच्छे से तड़कने देंगे। अब हम कढ़ाई में प्याज और हरी मिर्च डालेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से इसे पकाएंगे। अब हमने जो बॉईल किए हुए आलू लिए थे उसे हम मैश करके साइड में रख लेंगे। दोस्तों, प्याज हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम मटर डालेंगे और उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और मटर को सॉफ्ट होने देंगे। अब हम मैश किए हुए आलू डालेंगे उसके बाद मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, अनारदाना डालेंगे। अनारदाना ऑप्शनल है, अगर आप डालेंगे तो स्वाद और भी अच्छा आएगा, अगर आपके पास हो तो जरूर डालें। अब आमचूर पाउडर डालेंगे और उसके बाद चाट मसाला पाउडर डालेंगे और सभी मसालों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब हम एक मैशर की हेल्प से आलू के बड़े बड़े टुकड़ों को अच्छे से मैश करेंगे। दोस्तों, आलू हमारे मैश हो गए हैं, आप देख सकते हैं। एक बार और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे सारे अपनी स्टफिंग को। स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है, अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे।
उसके बाद थोड़ा सा पनीर किस करके हम डालेंगे स्टफिंग में। आप चाहे तो पनीर चीज कम ज्यादा भी डाल सकते हैं किस के। अब एक बार सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम स्टफिंग को एक शेप दे देंगे। यहाँ मैंने ओवल शेप में ब्रेड रोल तैयार करके लूंगी। आप देख सकते हैं हमने एक चीज का टुकड़ा स्टफिंग के अंदर ओवल शेप में गोल गोल घुमा के चीज को स्टफ कर दिया है। अब हम ब्रेड लेंगे। ब्रेड की स्लाइस को हमने साइड से कट करके लिया है। आप चाहे तो बिना कट किए भी ब्रेड की स्लाइस को यूज कर सकते हैं। अब हम एक बाउल में मिल्क लेंगे। आप चाहे तो दूध की जगह पानी भी ले सकते हैं। अब हम ब्रेड की स्लाइस लेके उसे दूध में डिप करेंगे और दोनों हाथों की सहायता से ब्रेड को प्रेस करते हुए एक्स्ट्रा मिल्क निकाल देंगे। आप देख सकते हैं। उसके बाद हम आलू की स्टफिंग को ब्रेड के अंदर अच्छे से स्टफ करेंगे। आप देख सकते हैं। दोस्तों एक बार और अच्छे से आप देखें ताकि आप अपने घर में जब भी बनाएं तो आपसे कभी भी कोई गलती ना हो। अब हम एक पैन लेंगे। पैन में हम ऑयल डालेंगे। आज हम ब्रेड रोल्स को शैलो फ्राई करेंगे। आप चाहे तो डीप फ्राई भी करके ले सकते हैं। अब हम एक एक करके सारे ब्रेड रोल जो हमने तैयार करके रखे हुए थे एक एक करके पैन में डालेंगे। आप देख सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं चीज पटेटो ब्रेड रोल कितने अच्छे से शैलो फ्राई हो गए हैं और क्रिस्पी बन करके तैयार हुए हैं। अब हम एक एक करके प्लेट में निकाल लेंगे। दोस्तों आज हमने ब्रेड रोल के साथ में टमाटर प्याज हरी मिर्च की चटनी बनाई है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे चटनी बन करके चटपटी तैयार हुई है और साथ में ही हमने टमाटो केचप को भी सर्व किया है। आप चाहे तो इसे पुदीने हरी मिर्च की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो होप करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो आप भी इसे अपने घर में एक बार बना करके ज़रूर ट्राई करें और अपने व्यूज़ को हमारे साथ में कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो या आप हमारी और रील्स एंड वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल यूनिक फूड एंड फ्लेवर्स।